नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रप्रयाग में और जरा आप मेरे पीछे ये देखिए कि किस प्रोजेक्ट को लेकर यहां पे काम चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे चार धाम रेल परियोजना के अंतर्गत काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनाओं में से एक ये परियोजना है। अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से काम जारी है। पिछले साल ही इस परियोजना को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था और एक साल के अंदर यहाँ पे काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। हालांकि किसी ने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि पहाड़ों के बीच में रेल लाइन बिछी हुई नजर आएगी, और आज ये सपना हकीकत में बदल रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो काम है वो तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरंग बनाई जा रही है, पहाड़ों के बीच में ये सुरंग है। आप आसपास की तस्वीरें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में रेलवे लाइन बिछाना या सुरंग बनाना वाकई किसी सपने से कम नहीं है। दिन रात यहाँ पे मेहनत की जा रही है और जरा आप इधर नजर डालेंगे, दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि चारों तरफ यहाँ पे काम चल रहा है। ठंड का मौसम है, कपकपाती ठंड है, और ऐसे में ठंड हो या कोविड की बात करें, कोरोना काल में भी ये काम नहीं रुका और लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो 24 घंटे जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये वाकई सपना है। क्योंकि हम चारधाम यात्रा की जब बात करते हैं तो लगता है कि भाई कैसे जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पर ऐसे में पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो वाकई किसी ने नहीं सोचा होगा। जब बात चारधाम की होती है तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर किसी का सपना होता है कि एक बार वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर कर लें, किसी तरह से ज़रूर पहुँच जाए। पर जो डिफ़िकल्टी सामने आती थी वो ये होती थी कि रास्ते अच्छे नहीं होते थे, सड़क रास्ते भी अच्छे नहीं होते थे, ना सड़कें अच्छी होती थी और आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर ऐसे में ये दिक्कत अब आम लोगों के लिए खत्म हो रही है। अब आप आसानी से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या यूँ कहें कि चार धाम के दर्शन कर पाएंगे। उसी के लिहाज से यहाँ पे काम जारी है। एक साल से लंबा वक्त हो गया हालांकि यहाँ पे काम की शुरुआत किए हुए, लेकिन अभी ये काम तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। लोग यहाँ पे जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर यहाँ पे टनल बनाया जा रहा है, टनल को लेकर भी यहाँ पे मेहनत की जा रही है। और एक टनल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा पूरे उत्तराखंड में आपको नए नए टनल नज़र आएंगे। और जब आप इन टनल के अंदर से आप जाएंगे और बाबा के दर्शन करने पहुँचेंगे तो वाकई वो अद्भुत क्षण होगा। क्योंकि बार बार मैं यही कह रही हूँ कि वाकई ये सपना है, ये किसी सपने से कम नहीं है क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना आप लोग मेहनत करते हैं दिन रात, ठंड की बात करें या कोविड की बात करें, कितने टाइम से मेहनत करते हैं? हम लोग कंटिन्यू, हम लोग का वर्क थ्रू आउट साइकिल चलते रहता है, 24 आवर्स है, 12 आवर्स का साइकिल जी। और सब एक्टिविटी है, हर कोई एक्टिविटी 3 आवर्स का है, 2 आवर्स का है, 4 आवर्स का है, यानी 1 मीटर कंप्लीट करने में अप्रोक्स हम लोग को 12 to 13 आवर्स लग जाता है। और पर डे रॉक के कंडीशन के हिसाब से, अभी रॉक कितने वर्कर्स अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं? टोटल 69 वर्कर्स हैं हमारे पास एक इस जगह शिफ्ट पे। फिर नाइट में भी कुछ कम है, बट है नाइट में भी। तो क्या टारगेट है कि कब तक इसे पूरा किया जाएगा? कुछ आप लोगों को टारगेट दिया गया है? टारगेट दिया हुआ है, हम लोग एज पर कंडीशन, रॉक कंडीशन के हिसाब से जो है, बट इसको यह है 60 मंथ में जो है तो 2025 तक हम लोग। ऐसे कितने सारे टनल बन रहे हैं यहाँ पे? तो प्रेजेंटली 2 हैं और भी रुद्रप्रयाग में, 2 हैं रुद्रप्रयाग में, यहाँ नरकोटा में यहाँ से 2 हैं, और आगे जा करके वहाँ से 4 फेस निकलते हैं। टनल 2 ही हैं, बट लेफ्ट साइड टाइम को शॉर्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 टनल को लेकर जा रहे हैं, राइट साइड में 2 को जा रहे हैं, जो कि आगे से जो आ रहा है उसको जा करके वो मीट। कितना लंबा टनल है ये, डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर? हमको जो टारगेट है ये 1.6 किलोमीटर का है, 1.6 का है, 1.6 है, ये जाएगा 1.6। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि 1.6 किलोमीटर का टारगेट दिया गया है और लगातार काम चल रहा है। आप काम में आपको दोनों फेज दिखाऊंगी, आप लेफ्ट राइट देख सकते हैं कि एक एंट्री है, एक एग्जिट है, दोनों में काम लगातार सिमिलरली जारी है। और आप पीछे देख सकते हैं कि वर्कर्स जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ और वर्कर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। सर, जानना चाहूँगी कि कब से आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम दे रहे हैं? हम तो लास्ट ईयर से यहाँ पे हैं, नवम्बर से ही, और काम हमारा चला हुआ, सभी टीम भर गए, तो एक
सभी लोग काफी मेहनत करते हैं। दो शिफ्टों में काम होता है यहाँ पे, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक नाइट शिफ्ट। कोविड के टाइम पे क्या कभी काम बंद हुआ या शिफ्ट में कोई ड्यूरेशन में कमी आई, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जो है दिन रात 12 घंटे लगे रहे, हमारा जो भी बढ़कर बाहर से आ रहा है हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों टीका वो लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उसके बाद हम लोग उनके जो है वो चेक करके तभी हम लोग काम पे लगा रहे हैं यहाँ पे। तो टनल की बात करें तो टनल की कुछ खासियत बताइए हमारे दर्शकों को। मैम, टनल की खासियत क्या उन्हें, वो सुरंग है, ये एकदम बढ़िया ढंग से बनाते हैं, बाकी रेलवे के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ आसपास कहाँ से रेलवे की तैयारी चल रही है, रेलवे लाइन की तैयारी चल रही है, कहाँ पे आप लोग उसको लेकर काम कर रहे हैं? हम लोग जो है ये हमारा पैकेज 7B है, ठीक है, ये हमारा पोर्टल 1 है, ये हमारा जा रहा है सुमेरपुर तक, तो ये हमारा ये पोर्टल 1 हो गया, हमारा वो पोर्टल 2 हो गया, और एक बाईपास है वहाँ पे एडिट है वो, तो हमारा ये जो है पूरा जो है 3 किलोमीटर का लाइन है। तो ऐसे पूरे उत्तराखंड की बात करें, यहाँ से लेके रुद्रप्रयाग तक की बात करें, तो कितने टनल बन रहे हैं इस बीच? इतने हमारा ये 125 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग, ये इस टाइप से है, और हमारा बहुत सारा पैकेज है 1, 2, 3, 4 करते हुए पैकेज 9 तक है हमारा। तो पैकेज 9 तक आपने बताया, कोई एक ऐसा पैकेज जो कंप्लीट हो चुका है, पूरा टनल रेडी हो गया है? कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो कोई टारगेट दिया गया होगा आप लोगों को कि कब तक पूरा करना है? यस मैम, इट्स 5 ईयर का टारगेट है इसमें हमें। लेकिन काम जितनी तेजी से चल रहा है तो मुझे लगता है कि शायद उसके पहले ही कंप्लीट ना हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, हमारी इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, जितना जल्दी हम अचीव करेंगे अपने गोल्स तो अच्छा है सबके लिए। और ये कितना, वाकई कितना मेहनत लगता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में टनल बनाना, क्या कुछ और ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है, कोई प्रॉब्लम आता है इसमें? वेदर चैलेंज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारा वेदर चैलेंज में फेस कर रहे हैं, साथ में 12 घंटे की ड्यूटी भी है, हमारा वर्कर जो भी है यहाँ पे हम लोग दिन रात मेहनत कर काम कर रहे हैं, ये सब है, और उस पर ऊपर से मेन तो अपना वेदर चैलेंज ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग फेजेस में टनल बनाए जा रहे हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर का टारगेट है और हर फेज में अलग अलग काम चल रहा है। आप चारों तरफ ज़रा नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह वर्कर्स नज़र आएंगे, काम करते हुए नज़र आएंगे, और जैसा कि बताया कि एक वेदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मौसम का कुछ अता पता नहीं होता, और इस वेदर में काम करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है। तो 5 साल का टारगेट है, पिछले साल ही नरेंद्र मोदी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद से लगातार काम जारी है, और जो काम मैंने आपको दिखाया वो 1 साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूरा हो चुका है। तो वाकई तारीफ करनी होगी मोदी सरकार की, क्योंकि वाकई कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि पहाड़ों के रास्ते से आप ट्रेन से सफ़र करेंगे और सफ़र करते करते चारधाम यात्रा करेंगे। ये चारधाम परियोजना के अंतर्गत आता है और उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं और तेजी से काम किया जा रहा है, वो वाकई अद्भुत है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।